ये जो बुद्ध का धर्म है वो प्रैक्टिकली है, इसे अनुसरण करना ही। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो आज का जो दिन है हम पूरा सेलिब्रेट करने वाले हैं बुद्ध जयंती के ऊपर में। किस तरीके से हम बुद्ध जयंती आज सेलिब्रेट करेंगे लॉकडाउन में भी, तो वो सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में होने वाली है। और बुद्ध को लेकर काफ़ी सारी जो चीज़ें आपको शायद नहीं पता होगी वो भी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनकर मैं हो चुका हूँ रेडी, और आज के हमारे दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं बुद्ध विहार में जाकर। और बुद्ध विहार में जाकर वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ आज के बुद्ध पूर्णिमा पर हो रही है वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं। मैं बुद्ध विहार में पहुंच चुका हूं और आप देख रहे हैं यहां पर बाबा साहब की मूर्ति है और इधर बुद्ध की मूर्ति है, और ये दोनों मूर्ति काफ़ी खूबसूरत है। बुद्ध जयंती के अवसर पर हम यहां पर आए हैं, करोड़ों साल बाद बुद्ध विहार में यहां पर हमारा आना हुआ है। और मैं अभी चल रहा हूं ऊपर जहां पर हमारा बुद्ध विहार है, और वहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही मैं आपको दिखाता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खासकर खीर और पूरी बनाई जाती है जो हमारे बुद्ध विहार में मुझे मिली। तो बुद्ध विहार से मैं घर पहुंच चुका हूं, और बुद्ध विहार में परित्राण पाठ हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें वहां पर हुई। ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सके वो सारी चीज़ें आज के बुद्ध जयंती पर हुई। और अभी मैं जैसे ही घर पर आया तो क्या हुआ मैं आपको बताऊं। जैसे मैं घर पर आया तो मुझे किचन से कुछ तो कुछ बनने की खुशबू आ रही है, वो अभी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या स्पेशल घर पर बन रहा है। तो यहाँ पर पूरी बनने का सामान यहाँ पर सब रखा हुआ है, और इधर क्या बन रहा है बड़ा, क्या क्या बना है मम्मी आज बताओ? पूरी बड़ा। तो ये सारी चीजें बनी है आज के बुद्ध जयंती के अवसर पर, और आप सभी को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो ताई की यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, और देखते आज के बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या एक्टिविटी चलती है, मिलाता हूँ उन सबसे। चलो किचन में क्या बन रहा है देखते हैं। तो आज के बुद्ध जयंती के ऊपर में क्या स्पेशल बन रहा है ताई बताओ? ये सेवई बना रहे हैं। रुको, हाँ अच्छा, ये और इधर क्या बन रहा है? ये उसमें डालना है। अच्छा, ये देखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ बनने वाला, अच्छा कुछ बनने वाला है, स्वादिष्ट बनेगा। दिखाएंगे आपको क्या बनने वाला है। भजिया बन रहा है, भजिया बना रही है ये। अच्छा, ये बना रहे भजिया। के व्लॉग में हमारे एक स्पेशल मेहमान छोटे से ऐड हुए हैं, नाम बताओ अपना। सम्यक। और तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है बताओ? बाबा साहब। और इधर बाबा साहब की फोटो कौन सी इसमें से बता? ये वाली, ये वाली, ये वाली की, ये वाली कौन सी? भगवान। ये वाली, अच्छा ये बाबा साहब है ना?
मेरी बहन। हाँ जय जय महाराज। फोटो कार्ड पर तो बुद्ध जयंती के स्पेशल हमने खीर बनाई है और भाव ने अभी टेस्ट कर रहे, तो अभी बताओ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मीठी है और बुद्ध जयंती की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। द थिंग के तरफ से भी सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक मेरा भी वीडियो आ चुका है द थिंग पर बुद्ध जयंती स्पेशल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा मैसेज देने की कोशिश की आप सभी को, तो उसको जरूर देखिएगा। आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर बता क्या है, बता बोलो आज क्या है, आप बोलो आज क्या है बता। अरे की आप बोलो, आप मेरा बीच में मत बोलना, हो गया ना, अब आता नहीं जब बोलने बोलो, बोला नहीं बोलने, तेरे को बोलने बोला ना, ऊपर उंगली रख अभी बोलना नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक पर जो बाबा साहब भी चाहते थे, वो है प्रबुद्ध भारत का कॉन्सेप्ट। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा जो भारत है वो प्रबुद्ध भारत बने, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए या क्या चीज जरूरी है, ये आपको बताओ एकदम शॉर्ट में मुझे, कि हमारे सब्सक्राइबर एकदम कम शब्दों में चीज समझे कि प्रबुद्ध भारत की क्या कॉन्सेप्ट है, फिर हमारे सामने भी ताई है उनसे भी हम पूछेंगे। प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए बाबा साहब का एक ही कॉन्सेप्ट था कि बहुजन समाज को शासक कौन बनना, बहुजन समाज शासक कौन बनेगा, तभी हम प्रबुद्ध भारत बन सकते हैं। और बुद्धिज्म के अंदर हम बुद्ध और धम्म जो बाबा साहब ने लिखा उसमें हम देखते हैं कि राजा भवतु धम्मिको, ये हमको सेंटेंस वहाँ पे मिलता है कि अगर राजा धम्म को मानने वाला होगा तभी जाके वो, अगर धम्म है वो फैलेगा। और अभी जो वर्तमान में राजा है वो किस धर्म को मानने वाला है आप जानते हैं, और वही धर्म फल रहा और फूल रहा है। तो अभी ताई हमारे सामने उनसे पूछते हैं। तो बुद्ध जयंती आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके स्पेशल हमने बनाने की कोशिश की है खीर, जो ताई ने भी बनाए हैं और वो अभी इंजॉय कर रहे हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट जो जिसके ऊपर अभी भाव से हमने डिस्कशन किया उसको थोड़ा सा और डीप में थोड़ा समझने की कोशिश करते, जो बात आपको भी समझे कि प्रबुद्ध भारत की कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्या होना चाहिए। तो ताई आप मुझे ये लगता है कि प्रबुद्ध भारत का जब हम याद करते हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट को जब हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, हमारा अपना तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारे महापुरुषों का कॉन्सेप्ट है। मान्यवर कांचीराम साहब कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत मतलब सम्राट अशोक का भारत, प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब भी जो चाहते थे या मान्यवर कांचीराम साहब चाहते थे, तो वो चाहते थे कि जिस प्रकार सम्राट अशोक का जो भारत रहा उस भारत की तमाम सारे हमारे महापुरुष जो है वो संकल्पना करते थे, राजाश्रय बुद्ध बुद्धिज्म को प्राप्त हो जाए, बुद्ध धर्म यह राजधर्म बन जाए। और इसके लिए अगर हम आज लोकतंत्र की बात करें जी, तो कोई भी मनुवादी पार्टी तो भाई बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करके राजाश्रय प्राप्त करने की बात तो नहीं करेगी या फिर प्रबुद्ध भारत की बात नहीं करेगी, संविधान को पूर्णतः लागू करने की बात नहीं करेगी, जबकि उनका वो एजेंडा है, एजेंडा उनका है नहीं जी बिल्कुल, तो फिर ना कांग्रेस करेगी ना भाजपा करेगी। हाँ। तो कौन करेगा? लोकतंत्र में जो आंदोलन जो आंदोलन ताकतवर है, जो आंदोलन को लेकर बात करते हैं, तथागत बुद्ध के इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड और जस्टिस की बात करते हैं वही कर सकते। तो ऑब्वियसली मान्यवर कांचीराम साहब का जो कंसेप्ट है या फिर उनका जो उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का, वो यही इसीलिए ही है कि हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सके। बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है बिल्कुल एकदम सही सटीक है, कि जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया उसको बढ़ाते हुए, तो थैंक यू आपका इस सजेशन के लिए। तो हमारे जो व्यूअर जो सब्सक्राइबर है उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। बाबा साहब पर ये जो हार चढ़ा रहे ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के पार्षद है हमारे एरिया के। तो साथियों मैं फाइनली अभी घर पहुंच चुका और आपने देखा कि ताई के घर पे हमने बुद्ध वंदना की और अभी हम अपने घर में बुद्ध वंदना करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Sama Sambuddho
बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर जैसा आपने देखा कि मैंने और मेरे सिस्टर ने अभी यहाँ पर बुद्ध वंदना की, और अभी आज के दिन के अवसर पर और कौन कौन सी चीजें हैं वो अभी बताएगी। हमारे घर से बचपन से एक परवरिश रही है कि हमारे बुद्धिज्म हमारा घर में रहा, और जब से हमको समझ में आया स्कूल के बाद से, तो तब से हमारे घर में बुद्धिस्ट वातावरण है, और इसे जैसे कि परित्राण, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, सारी चीजें आती है और बुद्ध विहार जाती रहती है। और आज के दिन के अवसर पर बताएगी कि कौन कौन चीजें और आज है। आप सभी को जय भीम। जय भीम। मैं मिताली आज के विशेष दिन पर आपको कुछ खास बताना चाहती हूँ। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा ही नहीं बल्कि वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिन भी हुआ था। तो आज के दिन हमें विहार जाकर परित्राण और बुद्ध वंदना ये जरूर करनी चाहिए, और घर हो सके तो पॉसिबल हो सके तो घर में भी हमें बुद्ध वंदना करनी चाहिए और परित्राण लेना चाहिए ऐसे विशेष पर्वों पर, ठीक है। और हमें ये जो बुद्ध का धम्म है वो प्रैक्टिकली है, इसे अनुसरण करना है, इसे अपनाना है। तो आज के दिन पर मैं आप सभी को यही कहना चाहती थी, और बुद्ध पूर्णिमा की सभी को बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। और बाबा साहब एक बात कहते थे कि बाबा साहब चाहते थे कि बुद्ध सोया हुआ से ज्यादा तो चलता हुआ बुद्ध मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात कहते थे। और इतना नहीं तो बाबा साहब ये भी कहते थे कि ये जो विचार है ना, विचारों का प्रचार और प्रसार हम जब तक के नहीं करेंगे तो विचार मर जाएंगे, इसीलिए हमको विचारों का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। अगर विचार सही भी होंगे तो प्रचार और प्रसार होगा, या अगर गलत भी होगा तो जो विचारों का प्रचार और प्रसार होगा वो विचार सही साबित होंगे। तो हमको अपने सही विचारों का, बुद्ध के विचारों का हमको प्रचार करना है। और जैसा आपने देखा कि मेरी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में बात रखी है, तो फर्स्ट टाइम उसने ऐसा बोला है, तो बहुत अच्छा बोला है वैसे। तो साथ ही आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में कोई भी चीज आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।